11 लाख 40 में आपकी मोस्ट वैल्यू फॉर मनी मेरे हिसाब से जो प्योर प्लस एस विद सनरूफ, जो ये कहते हैं कि सबसे वैल्यू फॉर मनी मेरे हिसाब से स्मार्ट प्लस एस सबसे वैल्यू फॉर मनी। तो अभी अगर कोई क्रिएटिव प्लस बुकिंग करना चाहे आपके पास में आते तो कितने दिन की वेटिंग है? पेट्रोल रहेगा उसके साथ आपका एमटी और डीसीटी टोटल में जो देखा हूँ कि टोटल 69 या 60 कुछ टोटल इसमें आपका डीजल रहेगा। So, काफी कुछ ऑप्शंस आपको टाटा देता है 69 वेरिएंट्स प्लस ऑल दीज कस्टमाइजेशन का ऑप्शंस विद द ओईएम प्रोडक्ट्स मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। और मैं जो भी प्राइस बोल रहा हूँ ये पेट्रोल का मैनुअल, अगर डीजल में कोई जाना चाहता है ये प्राइस के ऊपर आप प्लस 1.2 ऐड कर। और पेट्रोल में भी आप जो भी प्राइस बोल रहे हो मैनुअल पे बोल रहे हैं। नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त निखिल और आ गया हूं लेके आपके लिए द मोस्ट अवेटेड वीडियो। तो आप सबने मेरी नेक्सॉन की वीडियोस देखी, सबका एक ही क्वेश्चन था गाइस मेरे को वेरिएंट समझना है। आप ये कहां पे गाड़ी देखते हो, क्या करते हो? ये वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि मेरे जो फ्रेंड है शुभंकर वो मेरे से ये वीडियो में जुड़ने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि नहीं 2023 नेक्सॉन ऑल न्यू नेक्सॉन जो कहते हैं फेसलिफ्ट जो है उसके कौन कौन से ट्रिम्स हैं, उसमें क्या क्या आपको इंजन मिलती हैं, हर एक ट्रिम में बेस्ट मॉडल कौन सा है, सबसे वैल्यू फॉर मनी कौन सा निकल के आने वाला होता है, इन सब के ऑन रोड प्राइसेस क्या क्या हैं, आप अगर लेना चाहो तो आपको कितनी देर की वेटिंग करनी पड़ेगी, क्या है, सब कुछ इसी वीडियो में आपके लिए मैं कवर करूंगा विद द हेल्प ऑफ माई फ्रेंड शुभंकर। तो वीडियो के आखिर तक बने रहना गाइस। अगर वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, बिकॉज अगर आप लाइक बटन प्रेस करोगे तो ये वीडियो सब तक पहुंचेगी और सबको भी वही हेल्प होगी जो आपको होने वाली है। चैनल में नए हो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल, लेट्स गेट गोइंग। ऑलराइट, सो शुभंकर, अगर आप शुभंकर को जानते हो तो मैंने जो टाटा टियागो ईवी की वीडियो बनाई थी आई लिंक पे आप देख लेना, उसमें मैं इनके संग मेरा परिचय हुआ था दुली चंद में और तब से काफी अच्छा रिलेशनशिप है। शुभंकर आप व्यूअर्स को हेलो बोलो, थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दो। गुड आफ्टरनून, न्यू नेक्सॉन लॉन्च हुए छे तुमने सबाई जानो, अगर हो सके तो हिंदी में तो आप लोग सब जानते ही हो नया नेक्सॉन लॉन्च हुआ है। इसका पहले का जो नेक्सॉन था थोड़ा बल्की था, अभी का जो नेक्सॉन है थोड़ा स्लीक है, स्पोर्टी तो थोड़ा स्पोर्टी भी है। हाँ। तो असाधारण आपका लुक्स अगर देखेंगे जो एक बार देखेगा वो ये गाड़ी बुकिंग करेगा तो कन्फर्म। अभी इसका बहुत सारा ट्रिम है और ट्रिम के बारे में सर के साथ थोड़ा डिस्कशन करेंगे तो देखिए अगर आप लोगों का काम हो जाएगा। शुभंकर मुझे बोल रहा था वो बहुत नर्वस है, आप देख ही पा रहे हो पहले से ही बोलना चालू कर दिया आपको कोई टेंशन नहीं, बोला कि हाँ ठीक है बोलते बोलते नॉर्मल हो जाएगा। वीडियो को हम लोग कंसाइज रखेंगे आपके लिए गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू और को हमारा आज कैमरा मैन है। ऑल्सो अगर ये वॉइस क्वालिटी थोड़ी सी एको कर रही है गाइस, हम यहाँ पर एक क्लोज रूम में इनक्लोजर में है सो ऑब्वियसली यहाँ पर थोड़ी वॉइस एको कर सकती है। हम माइक भी यूज नहीं कर रहे हैं बिकॉज दोनों में फर्क सेम ही था, सो वी जस्ट वांट टू कीप इट सिंपल। ओके, तो हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, आपका ज्यादा और समय नहीं लेते हैं। सबसे पहले बताते हैं किसमें कितनी ट्रिम्स आती है, तो टोटल कितनी ट्रिम्स हैं? सर देखिए मोटा मोटी आपके पास चारों ट्रिम्स आएगा। एक आपका स्मार्ट से शुरू होगा, स्मार्ट प्योर क्रिएटिव एंड फियरलेस। सब ट्रिम में कितने कितने वेरियंट्स हैं? देखिए इसमें आपका हर ट्रिम में मोटा मोटी 2-3 करके आपका वेरियंट अलग अलग से आएगा। टोटल में जो देखा हूँ कि टोटल 69 या 60 कुछ टोटल वेरिएंट्स, इसमें आपका डीजल रहेगा पेट्रोल रहेगा उसके साथ आपका एमटी और डीसीटी दोनों का डिवीजन रहेगा, तो सब मिला के मोटा मोटी 69 आपका ट्रिम हो जाता है। चलो तो फिर हम लोग एक काम करते हैं, 69 तो हम लोग बात कर नहीं पाएंगे एकदम नहीं, तो हम लोग नैरो डाउन करते हैं। तो सबसे नीचे में जो वेरिएंट आता है जो ट्रिम आती है वो है आपकी स्मार्ट। तो स्मार्ट में जो है वो बेसिकली सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा निकल के आता है? देखिए स्मार्ट का जो मॉडल है स्मार्ट आपका ओनली पेट्रोल में ही अवेलेबल है, डीजल में स्मार्ट आता नहीं है। ओके, और स्मार्ट का आपका 3 ट्रिम आता है, एक आपका स्मार्ट, स्मार्ट प्लस एंड स्मार्ट प्लस एस। और स्मार्ट में भी आपका सनरूफ है। ओके, और स्मार्ट में क्या होता है, स्मार्ट में आपका 6-speed ट्रांसमिशन नहीं मिलेगा, उसमें ओनली 5-speed ट्रांसमिशन मिलेगा। तो उसमें कौन सी वाली इंजन मिलती है स्मार्ट में? सेम इंजन जो एकदम 1.2 टर्बोचार्ज नहीं होगी, वो टर्बोचार्ज होगी नॉर्मल। जो भी आपका ट्रिम आएगा इंजन आपका सेम रहेगा, सिर्फ आपका क्या होगा एमटी और सॉरी आपका 6-speed और 5-speed का फर्क है। तो गाइस सो सबसे पहले अपनी ट्रिम जो है वो है स्मार्ट है, जो सबसे बेस मॉडल जो होती है उसका जो अपना प्राइस रेंज क्या पड़ेगा ऑन रोड?
स्मार्ट अगर जाएंगे, स्मार्ट मोटा मोटी 9 लाख से शुरू होगा, 10 लाख 75 तक कंप्लीट हो जाएगा ऑन रोड। ऑन रोड मतलब 9 लाख से सबसे बेस वाली आपको मिलेगी 1 किलोमीटर की पेट्रोल अप्रोक्सीमेटली, और 11.5 लाख तक में आपकी स्मार्ट जो है विद सनरूफ आपको मिल जाएगी। ये तो उसमें आपका सबसे वैल्यू फॉर मनी मॉडल निकल के आता है स्मार्ट में, सबसे अच्छा मॉडल जो है। देखिए अगर सबसे अच्छा बोलेंगे तो स्मार्ट में स्मार्ट प्लस आपका बेनिफिट मॉडल है, क्योंकि बहुत लोग होता है कि स्मार्ट सनरूफ आपका उन लोगों का काम का नहीं है जी। तो स्मार्ट प्लस में आपका म्यूजिक सिस्टम, वर्ल्ड वीएम, मिरर एडजस्टेबल, ये सब आ जाता है। अच्छा तो वो मॉडल इज कन्फर्म। ग्रेट, नेक्स्ट फिल्म पे चलते हैं गाइस। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो गाइस। अगर अच्छी लग रही है यहाँ तक अगर आप देख रहे हो तो इसे एक लाइक कर देना। और वन सेकंड, शुभांकर जो है ये दूलीचंद ऑटो में, इसका जो डिस्क्रिप्शन जो है, इनका फोन नंबर है, सब कुछ आपकी स्क्रीन के नीचे, और एड्रेस जो है वो आपके डिस्क्रिप्शन लिंक पर मैं आपको दे दे रहा हूं। अगर आप कलकत्ता से हो और ये गाड़ी लेने का सोच रहे हो तो द ओनली वन स्टॉप शॉप इज दूलीचंद, एंड द ओनली पर्सन यू नीड टू मीट इज मिस्टर शुभांकर। आइए, ये बड़े मस्त है, ही विल अटेंड योर कॉल। You know, obviously आप बेटाइम आप भी फोन नहीं करोगे, बट ये हमेशा जब भी मैंने कॉल किया है मैं गाड़ी लेता भी हूँ, फिर भी उठाता, सोचो अगर आप लोगे तो आपकी कितनी मदद करेगा। नेक्स्ट ट्रिम इज योर प्योर प्लस, प्योर और प्योर प्लस, प्योर एंड प्योर प्लस। सो नेक्स्ट ट्रिम जो आती है प्योर आती है, उसमें भी आपकी जो पेट्रोल भी मिलती है और डीजल भी मिलती है। हाँ, वो उससे आपका पेट्रोल डीजल शुरू होता है, पेट्रोल डीजल शुरू होता है। और इसमें कौन कौन सा आपको ये मिल जाता है, मैनुअल मिल जाती है, डीसीटी मिल जाती है, डीसीए बोलते हैं हम, डीसी आप लोग बोलते हो, और आपकी एएमटी मिल जाती है, तीनों पेट्रोल और डीजल दोनों में। डीजल में आपका एएमटी आएगा और आपका डीसी आएगा। तो कितने वेरिएंट्स हो गए पेट्रोल छोड़ के, स्मार्ट, स्मार्ट प्लस एस, करेक्ट। एस मतलब सनरूफ है गाइस, दैट इज ओनली डिफरेंस। सो मैंने स्मार्ट प्लस एस का एक वीडियो बनाया है, वो आप आई लिंक पे देख सकते हो या फिर चैनल पे जाकर देख सकते हो। इसके बाद जो क्रिएटिव है, क्रिएटिव का भी क्रिएटिव प्लस का एक वीडियो बनाया है, नॉट एस बट प्लस, जो ये कहते हैं कि सबसे वैल्यू फॉर मनी मेरे हिसाब से स्मार्ट प्लस एस सबसे वैल्यू फॉर मनी है। आप मुझे बताना, यहाँ पे हमारी बहस हो चुकी है। तो इस ट्रिम में सबसे पहले कितने ऑन रोड से चालू होता है और मैक्सिमम कितना ऑन रोड जाता है? प्योर मॉडल अप्रोक्सीमेट पकड़ के चलिए 10 लाख 75 से शुरू होगा, और मोटा मोटी प्योर का आपका अप्रोक्सीमेट 11 लाख 40 तक आपका प्राइस जाएगा। प्योर स्मार्ट प्योर प्लस एस जो है उसका क्या है ऑन रोड? प्योर प्लस आपका अप्रोक्सीमेट आएगा विद द सनरूफ 11 लाख 40 आपका कंप्लीट हो जाएगा। 11 लाख 40 में आपकी मोस्ट वैल्यू फॉर मनी मेरे हिसाब से जो प्योर प्लस एस विद सनरूफ। हाँ, उसमें कुछ एक फीचर्स हैं जो आपको नहीं मिलेगी, जैसे कि कोई रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है, आपकी अलॉय व्हील्स नहीं मिलेंगी, आप अगर बूट खोलना चाहे तो बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते, आपको अंदर से एक्सेस करना पड़ेगा। कुछ एक फीचर पे आप डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज करोगे, बट जो क्रिएटिव प्लस है वो आपको टॉप मॉडल के सारे मजे देने वाली है, उसकी बात हम आगे में करने वाले, वीडियो में बने रहना। सो इसमें भी जो डीजल है, समझ लो अगर प्योर प्लस का बात कर रहे हैं, उसका डीजल और पेट्रोल में क्या डिफरेंस है? देखिए डीजल और पेट्रोल में मेन डिफरेंस है इंजन का, पेट्रोल और डीजल में दाम में 1 लाख से 1 लाख। बाकी 1200 सीसी का आपका 1.2 लीटर इंजन आपका आता है पेट्रोल में, टर्बो, और 1.5 आता है आपका डीजल टर्बो। टर्बो की टर्बो आता है कि वो डीजल इंजन जो है, और उसका भी आपको गाइस आपके स्क्रीन पे मैं दे रहा हूँ दोनों इंजन के। इस थ्रू आउट दिस वीडियो में आपके सारे के सारे जो इंजन की अलग अलग जो स्पेसिफिकेशंस है ना, कौन सी इंजन आपको कौन सा पावर देती है, वो आपके स्क्रीन पे मैं देते हुए चल रहा हूँ गाइस। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लग रही हो, बिकॉज सबने मेरे को ये पूछा कि आप वेरियंट एक्सप्लेन करो। मैंने भी काफी वीडियोज देखी नहीं है, और को तूने देखी कैसा सारे के सारे वेरियंट एक्सप्लेन, और को बोल रहा है इसने वीडियो निकाल दी, अब तो हमें निकालनी है यार, वैसे कोई बात नहीं है। ऑर्को की भी चैनल है गाइज, और यहाँ पर टर्बो रेड भी बैठा हुआ है हमारे साथ, यू नो हमारी टीम की तिगड़ी हो गई है कलकत्ता में, हम मिलकर ही वीडियोस बनाते हैं। सो ये तो बात हो गई स्मार्ट की और प्योर की, राइट? और प्योर में सबसे अच्छा मॉडल आपके हिसाब से कौन सा है? प्योर में, प्योर में जाएंगे तो प्योर में दो मॉडल आता है, प्योर और प्योर प्लस एस। अच्छा, तो प्योर प्लस एस में आपका विद सनरूफ आ जाता है। हाँ, और प्योर मॉडल में आपका नॉर्मल जो फीचर आपका रियर में एसी वेन वगैरह ये सब आ जाएगा। हाँ, तो इसमें अगर देखेंगे तो प्योर प्लस एस इज बेहतर, अगर सनरूफ चाहते हैं, अगर नहीं चाहते तो प्योर मॉडल। सब कुछ वाली सनरूफ। हाँ, एकदम एकदम, चलो ठीक है, अच्छी बात। इस मॉडल तक मैं आपको बोलूंगा कि इस मॉडल तक आपका बेनिफिट रहेगा स्मार्ट प्लस एस, स्मार्ट प्लस में।
स्मार्ट प्लस में, क्योंकि स्मार्ट प्लस में मोरल सब कुछ आ रहा है, काम कर रही है, मतलब प्योर प्लस नहीं लेके स्मार्ट प्लस लो, अगर सनरूफ चाहिए तो फिर प्योर प्लस या स्मार्ट प्लस एस, और डिफरेंस दाम का कुछ नहीं पड़ेगा, डिफरेंस तो आएगा, डिफरेंस तो मोटा मोटी आपका 1,00,000 का डिफरेंस आएगा, अगर प्योर एस में अगर जाएंगे तो फिर स्मार्ट एसी स्मार्ट प्लस स्मार्ट प्लस बट रियर कैमरा नहीं देखा मैंने इसमें, रियर कैमरा आपका प्योर एस में नहीं है, प्योर एस में नहीं है, प्योर एस में नहीं है, आपका रियर कैमरा शुरू ही होगा आपका क्रिएटिव से, अच्छा, बट OEM से अगर लगाना चाहे तो लग सकता है, वो लग सकता है, तो गाइस गुड इन्फॉर्मेशन, अगर आप प्योर एस सनरूफ वाली अगर लेते हो उसमें रियर कैमरा आपको नहीं मिलता है, उसकी भी वीडियो मैंने बना रखी है, आप आई बटन पे जाके या फिर चैनल पे जाके देख सकते हो, रियर कैमरा आप OEM के थ्रू लगवा सकते हो, So, काफी कुछ ऑप्शंस आपको टाटा देता है, 69 वेरिएंट्स प्लस ऑल दीज कस्टमाइजेशन का ऑप्शंस विद द OEM प्रोडक्ट्स मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, नाउ वी आर मूविंग इनटू द बिग टिकेट वेरिएंट्स नाउ, सो क्रिएटिव में भी जाते हैं तो भी ये वैल्यू फॉर मनी, अगर क्रिएटिव प्लस में जाते तो भी वैल्यू फॉर मनी, क्योंकि अगर क्रिएटिव मॉडल जो है तो पहले का जो एग्जिट प्लस मॉडल था जो ज्यादा बिकता था नेक्सॉन में वो मॉडल है क्रिएटिव, अच्छा ओके, दैट्स अ वेरी गुड, सॉरी शुभंकर भाई, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट, पहले वाली नेक्सॉन की जो एग्जिट प्लस होती थी बेसिकली उसका नया ब्रांडिंग हो गया है क्रिएटिव, और एग्जिट प्लस लग्जरी जो होता था वो हो गया है फियरलेस, बोल सकते हैं चलिए आगे बताइए, क्योंकि ऑटोमेटिक एसी आ जाता क्रिएटिव में, क्रिएटिव में हमने आ रहा है, तो ये मॉडल इज वैल्यू फॉर मनी जो पहले एग्जिट प्लस में आता था, तो क्रिएटिव प्लस की वीडियो मैंने बना के रख दी है गाइस, मैं वही सोच रहा हूँ कि पहले ये वेरिएंट्स वाली वीडियो दूं कि पहले ट्रिम्स वाली वीडियो दे दूं, कंफ्यूजन में हूँ, जो भी होगा बट ये सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, तो कैमरा वगैरह क्रिएटिव से शुरू होता है, करेक्ट, और कैमरा 360 डिग्री कैमरा आपको सेकंड टॉप मॉडल में सेकंड टॉप ट्रिम में ही मिल जा रहा है, क्रिएटिव प्लस से मिल जा रहा है, क्रिएटिव प्लस में आपको 10 इंच का इंफोटेनमेंट, 10 इंच का इंफोटेनमेंट आ रहा है, 360 डिग्री कैमरा आ रहा है, फ्रंट में आपका पार्किंग सेंसर आ रहा है, तो जो स्मार्ट टेक्नोलॉजी गाड़ी में दिया गया है वो मोरलेस आपका क्रिएटिव प्लस में आ जाएगा, तो कोई क्रिएटिव प्लस को जो लोग फियरलेस प्लस लेगा, क्रिएटिव प्लस और फियरलेस प्लस में क्या डिफरेंस है? देखिए फियरलेस प्लस अगर जाएंगे तो आपका क्या आएगा, एक एयर प्यूरिफायर आएगा, अच्छा, वेयरलेस चार्जर आएगा, रियर में आपका डिफॉगर आएगा, अच्छा, फ्रंट में आपका फॉग लैंप आएगा, एक्सप्रेस कूलिंग और 60-40 स्पीड सीट आएगा आपका फियरलेस मॉडल, ओके, तो ये मॉडल आपका आएगा फियरलेस, अच्छा, और दोनों में डिफरेंस कितना है, क्रिएटिव प्लस और फियरलेस प्लस, अप्रोक्सीमेट सर आपका 1,00,000 का आपका डिफरेंस आएगा, सो 1,00,000 की डिफरेंस में आपको एयर प्यूरिफायर, रियर डिफॉगर, वायरलेस चार्जर, सबसे बड़ा 8 स्पीकर आएगा, 8 स्पीकर JBL वाला, क्या नहीं JBL वाला आपका आएगा टॉप मॉडल, टॉप मॉडल 4+4 आपका आएगा फियरलेस, वो हार्मन के स्पीकर्स हैं, हार्मन के स्पीकर, सो गाइस सबसे वैल्यू फॉर मनी मॉडल निकल के आ रही है आपकी फियरलेस, सॉरी क्रिएटिव राइट, तो अभी अगर कोई क्रिएटिव प्लस बुकिंग करना चाहे आपके पास में आ गए तो कितने दिन की वेटिंग है? मोटा मोटी 60 डेज का वेटिंग, 2 महीने की, 2 महीने, और अगर कोई हमारे चैनल के थ्रू आए तो उसको कुछ हेल्प, अगर आपके चैनल से कोई आता है तो स्पेशल ट्रीटमेंट मेरे तरफ से रहेगा, वहाँ पे बोलिए, मेरे तरफ से स्पेशल ट्रीटमेंट रहेगा और दुलीचंद की तरफ से भी आपको स्पेशल ट्रीटमेंट रहेगा, वो बोल नहीं पा रहे हैं बट मैं आपको बोलता हूँ जो बेस्ट होगा वो आपके लिए करके देंगे, ये गाड़ी नया गाड़ी है तो ये बोल पाएंगे कि जितना जल्दी हो पाएगा आपको डिलीवरी कर देंगे, चलो ये बंदा अगर बोल रहा है तो कुछ सोच के बोल रहा होगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ, अभी हम आ जाते हैं सबसे टॉप वाले मॉडल पे जो है फियरलेस, अच्छा हाँ उसके पहले क्रिएटिव का स्टार्टिंग और एंड कितना ऑन रोड पड़ेगा, जो इनफैक्ट जो क्रिएटिव प्लस है प्लस एस है उसका ऑन रोड क्या पड़ रहा है? 12,00,000 13,00,000 35,000-40,000 तक आपका क्रिएटिव का प्राइस रेंज रहेगा, पेट्रोल बोल रहा हूँ, मतलब 12,50,000 से 13,50,000 के बीच में, और मैं जो भी प्राइस बोल रहा हूँ ये पेट्रोल का, मैनुअल का, डीजल में कोई जाना चाहता है ये प्राइस के ऊपर आप प्लस 1-1.2 ऐड कर, और पेट्रोल में भी आप जो भी प्राइस बोल रहे हो मैनुअल पे बोल रहे हैं, मैनुअल ऑटोमेटिक मिला के, मैनुअल और ऑटोमेटिक के बीच में कितना डिफरेंस होगा, पेट्रोल मैनुअल और पेट्रोल ऑटोमेटिक, देखिए अगर जो मॉडल में डीसी आएगा डीसी का प्राइस अप्रोक्सीमेट 1,00,000 का डिफरेंस आएगा, अच्छा अगर जो मॉडल में AMT है AMT में आपका 50-55,000 का आपका डिफरेंस आएगा, अच्छा
तो AMT कोई क्यों लेना चाहेगा यार? AMT मतलब देखिए AMT में बेनिफिट यही है कि AMT ट्रांसमिशन आपका, बट AMT तो आप बोल रहे हो पेट्रोल में AMT दे ही नहीं रहा, पेट्रोल खाली रहा है, क्रिएटिव में आपका AMT आ रहा है। अच्छा, उसमें आपका क्या होता है, AMT में प्राइस थोड़ा कम होता है, AMT प्योरली ऑटोमेटिक नहीं होता है, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, सेंसर के बेस वो काम करता है और वो टाइप ऑफ मैनुअली होता है, करेक्ट, बट आपका क्या बोलो ऑटोमेटिक का फील देगा वो फायदा नहीं, उसमें लैगिंग इतनी ज्यादा होती है, थोड़ा लैग तो रहेगा, लैगिंग होती है, आपका माइलेज भी ज्यादा मिलता है एमटी में। हाँ चलो अभी वही बात है, सब्जेक्टिव है, ज्यादा होता है एमटी में बेटर, वही बात है, सब्जेक्टिव सी बात है, आप किसको क्या पसंद है नहीं पसंद है वो तो आपने व्यूअर्स और जो बायर्स है वो लोग ही बेस्ट बता पाएंगे। बट चलो अब आ जाते हैं हम लोग सबसे टॉप मॉडल जो है आपका फियरलेस किन लोगों को लेना चाहिए और फियरलेस में क्या क्या एडिशनल तो आप बता दिए, बट फिर भी थोड़ा बताइए व्यूअर्स को फियरलेस के बारे में और प्राइस। सबसे जो टॉप मॉडल है पेट्रोल का डीसी है उसका सबसे टॉप मॉडल का ऑन रोड क्या पड़ेगा? अप्रोक्सिमेट 15 लाख 80 आएगा टॉप मॉडल का प्राइस, 15 लाख 80 हजार टॉप मॉडल जो आती है डीसी पेट्रोल की, जिसमें सब कुछ मिलेगा आपको, सनरूफ एंड एवरीथिंग। सनरूफ देंगे तो आपका मोटा मोटी सब मिला के आपका आएगा 16 लाख 32 हजार। तो ये बताइए 16 लाख 32 हजार वो आपका मॉडल होगा फियरलेस प्लस एस, फियरलेस प्लस एस डीसी डीसी पेट्रोल 16.32। अभी तो नई गाड़ी को डिस्काउंट तो देंगे नहीं, अप्रोक्सीमेट पकड़ के चलिए, बाकी कुछ ना कोशिश करेंगे मगर वो सब कुछ और इस प्राइस लिस्ट में गाइस, बिकॉज़ हमारे पास एक प्राइस लिस्ट है, हम शेयर कर सकते हैं व्यूअर्स के साथ में, कर सकते हैं ये, मैं आपको इसका ये प्राइस अभी ऐसे समझेगा नहीं तो आप बाद में, मैं आपको बता दूंगा, बट इस प्राइस लिस्ट में 69 वेरिएंट की जो सबसे टॉप वेरिएंट है उसका प्राइस कितना है, मतलब बेसिकली जो डीजल का डीसीए, डीजल में शायद डीसीए दे नहीं हो, खाली एमटी दे रहे हो, सो डीजल में ये लोग डीसीए नहीं दे रहे हैं, रीजन बीइंग कि अगर डीजल में डीसीए दे देंगे उसका दाम भी बढ़ जाएगा और उसकी माइलेज भी गिर जाएगी, तो ये लोग डीजल में सिर्फ एएमटी देंगे, डीसीए आपको सिर्फ पेट्रोल में मिलेगा, पेट्रोल में आपको मैनुअल एएमटी डीसीए ये तीनों और डीजल में मैनुअल एंड एएमटी ओनली, करेक्ट। हाँ इसका टॉप मॉडल का 17 लाख 20 अप्रोक्सीमेट आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसमें मतलब आपको एकदम रॉकेट मून पे चले जाओ सीधा सीधी एकदम बोल सकते नहीं गाइज, वंस अगेन आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी, यू हैव आई मिस्ड एनीथिंग, अगर मैं कुछ मिस कर गया हूं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो, वो इन्फॉर्मेशन भी मैं आपके लिए लेके आ जाऊंगा। वंस अगेन आई एम एट धूलीचंद मोटर्स, धूलीचंद ऑटो टाटा, इसकी एड्रेस जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दे रहा हूँ, दिस इज माई फ्रेंड शुभांकर, आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है, प्लीज इसे लाइक कर देना, इसकी रीच बढ़ाओ तो ये ज्यादा लोगों तक पहुंचे, एंड दैट्स इट, आई होप आई कवर्ड एवरीथिंग, आई एम गोना सी यू, यस एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है JBL का म्यूजिक सिस्टम, JBL का म्यूजिक सिस्टम आपको ओनली टॉप मॉडल में ही आएगा, जो आपका फियरलेस प्लस एस डीसीए और AMT में ओनली JBL का म्यूजिक सिस्टम आएगा, जो सबवूफर जो डिक्की में जिसका सबवूफर, वो मॉडल अभी तक आया नहीं आपका यहाँ, अभी तक आया नहीं है, वो ओनली एक ही मॉडल है जिसमें आपका JBL का म्यूजिक सिस्टम एंड सबवूफर आएगा, तो वो मॉडल जैसे ही आती है हम उसका भी वीडियो आपके लिए लेके आ जाएंगे। हम वीडियो क्लोज करने के पहले कुछ बोलना चाहते हो आप दर्शक लोग को? यही बोलेंगे कि अभी जो गाड़ी लॉन्च हुआ है बहुत बढ़िया गाड़ी है, तो लेना ना लेना आपके ऊपर है, मगर एक बार आइए, आपका जो भी नियरेस्ट ब्रांचेस है टाटा का एक बार आइए और टेस्ट ड्राइव जरूर लीजिए, क्योंकि ये जो गाड़ी लॉन्च किया ये टाटा का एक ड्रीम कार है, तो मैं आपको बोलूंगा ये आपका सब कॉम्पैक्ट एसयूवी में आता है ये गाड़ी, और ये गाड़ी का सेगमेंट में सबसे ज्यादा सेलिंग हम लोगों का कार के सेगमेंट में सब कॉम्पैक्ट में ही यही गाड़ी होता है, मतलब ये सेगमेंट में ही होता है, तो मैं आपको बोलूंगा एक बार इस गाड़ी का टेस्ट ड्राइव जरूर लें, करेक्ट गाइस, एंड नॉट जस्ट दिस, इस गाड़ी का ईवी भी आने वाली है यहाँ पर कैलकटा में बहुत जल्दी, बाकी सब सिटीज में आ गई है बट यहाँ भी आएंगी, उसी तरह से जिस तरह से हम इसकी आइस वेरियंट्स के लिए आपके लिए वीडियो लेके आ रहे हैं, ईवी के लिए भी आपके लिए वीडियो लेके आएंगे, जिस तरह से आइस वेरियंट्स पे मैंने आपको ये एक्सप्लेनेशन दी है, शुभांकर के संग हम फिर से बैठेंगे और उसके ईवी वेरिएंट्स को भी आपके लिए एक्सप्लेन कर देंगे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो, सो दैट कि हमारी नोटिफिकेशंस आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए, टिल देन मैं निखिल और शुभांकर साइन ऑफ करना चाहेंगे यहाँ पे आपको, होप यू हैव अ ग्रेट डे, मैं आपको मिलूंगा बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, आई लव यू ऑल।